नमस्कार। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में गुजरात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी आगाज शुरू कर दिया है। तो 182 सीटों का चुनावी गणित और किसकी हो सकती है जीत, इसको लेकर विधानसभा चुनाव पर आपको 182 सीटों के ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने वाले हैं, क्योंकि गुजरात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी आगाज कर दिया है। अहमदाबाद में बीजेपी की बड़ी यहां पर रैली हुई है और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश के बाद जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है, बीजेपी ने 4 राज्यों पर जीत हासिल की है, तो इसका असर गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर कितना देखने को मिल रहा है। क्या गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाने वाली है, इसको लेकर 2017 के आंकड़ों पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाते हैं। बीजेपी ने 99 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 77 सीटें, यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों पर अन्य को भी जीत मिली। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिली 2017 विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस प्रकार से 5 राज्यों पर कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके बाद क्या गुजरात की जनता कांग्रेस का साथ देने वाली है, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। आखिर गुजरात की 182 सीटों का क्या कहता है चुनावी विश्लेषण, उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों पर बीजेपी की बड़ी जीत रही है, लेकिन गुजरात में यहाँ पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया है, तो कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 लोकसभा में गुजरात की सभी सीटों पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जीत मिली थी। ऐसे में 182 सीटों का क्या ओपिनियन पोल यहाँ पर हो सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआत करते हैं। अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर विश्लेषण है, जबकि आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2, 1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंचायत चुनाव में यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी को 18, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बड़ी रैली हो चुकी है, इससे चुनावी आगाज के तौर पर देखा जा रहा है, वैसे में यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहाँ पर बात करें अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 6, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए भरूच की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान रहा है। बोटाट की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट जा सकती है, जबकि छोटा उदयपुर की बात की जाए तो 3 सीटों में से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान रहा है। देवभूमि की यहाँ पर बात की जाए 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी की में बराबर की टक्कर हो सकती है। यहाँ पर बात की जाए दाउद की तो 6 सीटों में से बीजेपी को 5, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। डांग की 1 सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान रहा है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए खेड़ा की तो 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर भी जाने का अनुमान रहा है। अगर बात की जाए मोरबी की तो 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। मेहसाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। माही सागर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। नक्सारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट और अन्य फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। रबदा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी को 5, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी को 12, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर बात की जाए 2 या फिर 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर तापी की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। वलसाड की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस और यहाँ पर अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान रहा है। यानी गुजरात की सभी 182 सीटों के चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं, लेकिन अगर बात की जाए 182 सीटों में से बीजेपी को यहां पर बहुमत से जो 92 सीटें बहुमत, उससे काफी आगे निकल रही है। 132 सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो कांग्रेस को 45 सीटें, आम आदमी पार्टी 3 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ने वाले हैं। गुजरात में फिर से बीजेपी कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल यहां पर निकल के सामने आ रहा है गुजरात को लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। क्या कांग्रेस अपनी नैया यहां पर पार लगा पाएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्या गुजरात में कुछ नया कर पाएगी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।